ट्रांसपोर्ट कार्यालय पठानकोट में विद्या एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से स्कूल व कॉलेज के विद्यार्थियों के ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए कैंप आयोजित किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों के ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद फोटो करवाई गई। जानकारी देते हुए प्रधान विजय पासी ने बताया कि ट्रांसपोर्ट कार्यालय के SDM डॉक्टर अमित महाजन व स्टाफ के सहयोग से आर्या गर्ल्स कॉलेज व गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों के ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए कैंप लगाया गया। इस दौरान 29 विद्यार्थियों के ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी कागजी कार्रवाई को पूरा कर उनकी ऑनलाइन फोटो करवाई गई। सोसाइटी के अध्यक्ष विजय पासी ने कैंप में सहयोग के लिए SDM डॉक्टर अमित महाजन व ट्रांसपोर्ट कार्यालय के स्टाफ का धन्यवाद किया। जी सर, आज विद्या एजुकेशन सोसाइटी के प्रेसिडेंट श्री विजय पासी जी की अध्यक्षता में एक DTO ऑफिस में एक प्रोजेक्ट का आयोजन किया गया, जिसमें आर्या गर्ल कॉलेज के बच्चियों का लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का यहाँ प्रोजेक्ट लगाया। ये प्रोजेक्ट हमारा 85वां प्रोजेक्ट है। हम लगातार 85 महीने से ड्राइविंग लाइसेंस के प्रोजेक्ट लगा रहे हैं और हर महीने किसी न किसी स्कूल के बच्चों को यहाँ बुलाकर यहाँ पर बच्चों के ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाते हैं। हमने जब भी ये प्रोजेक्ट लगाए हैं उससे पहले स्कूलों में जाकर बच्चों को ड्राइविंग रूल्स के बारे में बताया जाता है। जब ड्राइविंग रूल्स के बारे में बच्चों को बताते हैं तो वहाँ पर बच्चों से ये भी पूछते हैं कि किन किन बच्चों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। जिन बच्चों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होते उनको ये कहा जाता है उनके स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन को, उनके पेरेंट्स को, कि इन बच्चों के ड्राइविंग लाइसेंस दूर बनवाए जाए। फिर बच्चों के वहाँ पर फॉर्म आदि भरवा के और उसके बाद फिर यहाँ पर टेस्ट के लिए यहाँ बुलाया जाता है और यहाँ पर आकर उनके ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाते हैं। पठानकोट से राजीव सैनी की रिपोर्ट।